हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आज बात करने वाले हैं आप लोगों की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि अब तक बहुत सारे आंकड़े आ चुके हैं। आप लोगों को पता है कि हमारा भी जो हमने कम्युनिटी पे कराया था उस पर भी 30,000 से ज़्यादा तो उसी टाइम हो गए थे, तो 30,000 से ज़्यादा वोट तो उस टाइम पे ही हो चुके थे। और भी बहुत सारे लोगों ने पोल ओपन कर रखी थी, उनके भी रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। मैंने उनके रिजल्ट भी देख लिए हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी चीज़ें देख आइए और उसके बाद ही आप लोग कट ऑफ देखना स्टार्ट करिए। कट ऑफ को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, अफेक्ट करने वाले हैं। कट ऑफ को आप लोग देखेंगे तो आपकी शिफ्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, आपकी लेवल क्या था उसका, आप किस आरआरबी से हैं, ये वाली चीजें भी करेंगी। नॉर्मलाइजेशन 100% हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, चाहे वो परसेंटाइल बेस हो चाहे वो कैसे भी हो, वो सिर्फ एक तरीका है परसेंटाइल बेस करना, बाकी और कुछ नहीं है। गाइस यहां पर देखिए, रिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने कम लोग हैं जिनके 60 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, बाकी सारे लड़के तो 60 से पीछे ही पड़े हुए हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, जब 2,40,000 बच्चा सेलेक्ट होगा तो वो कहां से होगा। और यहां पे जो वोट कर रहा है 15% बच्चा, वही बच्चा दूसरी चैनल पे भी वोट कर रहा है। ये मैं समझ रहा कि मेरे 28,000 में से 15% अलग हैं, दूसरे चैनल पे जाके दूसरे हैं, बच्चे सब वही वाले हैं। इसलिए मुझे जो पूरी उम्मीदें हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, वो आप लोगों के 58 से लेके आप लोगों की 63 तक के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी प्लस माइनस एक दो नंबर हो सकते हैं, अदरवाइज इतने नंबर पे अगर आपकी एवरेज शिफ्ट है, ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं, अगर एवरेज शिफ्ट है तो आपका इतने पे काम हो जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि भगवान ना करे कि इसमें नकलची घुसे हुए हों, इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। वैसे रेलवे ने मना किया है और होना भी नहीं चाहिए, और हमें भी पूरी उम्मीद है कि नहीं हुआ होगा। फिर भी गाइस इतने मार्क्स पे आप लोगों का श्योर है, अभी भी बोल रहा हूं, अगर किसी के 55 नंबर है तो वो हार ना माने, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट हो और ये 63 नंबर वाला भी आपसे पीछे हो रियल में, ठीक है गाइस। और जिनके ज्यादा हल्की है वो भी ये ना सोचे कि 58 नंबर पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी शिफ्ट बहुत इजी है, आपके नंबर घट भी सकते हैं, ये के ये भी रह सकते हैं। इसलिए ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो इतना रहेगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो चीजें होंगी वो तो आप लोगों को पता ही है। आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं देन आप लोगों का बहुत हद तक फाइनल ही है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, मेरे खुद के 69 मार्क्स हैं और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 90 हो रहे हैं। कट ऑफ कितने पे लग रही है, कट ऑफ कितने पे लग रही है, 70 पे। आप एक बात बताइए, जो बच्चा यहां पे 50 नंबर ला रहा था क्या उसके 70 नंबर नहीं हुए होंगे? जब मेरे 70 से 69 से 90 हो गए तो इस 50 वाले के 70 नहीं हुए होंगे, तो मैं इस 50 वाले बच्चे को कैसे छोड़ दूं, इसका सिलेक्शन नहीं होगा फिर, बताइए आप। तो गाइज इस तरह की चीजें हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप रनिंग स्टार्ट करिए। कुछ नहीं होगा तो आपके शरीर को ही दिए अपने, मान लीजिएगा चले एक महीना आपने शरीर को ही दे दिया, कम से कम आपकी हेल्थ ही बन जाएगी, जो हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे वो वाले चीज ठीक हो जाएगी। तो आप इन चीजों को ब्लेम ना करके, अपने आप को ब्लेम ना करके आप तैयारी करिए, बाद में रोना ना रहे बस, इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है। तो इतने मार्क्स वाले तो पीईटी की बिल्कुल तैयारी करिए, और किसी के इससे कम भी है और उसकी सिर्फ डिफिकल्ट है देन बिल्कुल फाइनल पे जाइए। मैं तो कह रहा हूं 50 वाला बच्चा भी तैयारी तो करो ही भैया कम से कम, लेकिन उम्मीदें इन लोगों की हैं पूरी पूरी। अगर आपकी बात करें ओबीसी में, तो आप लोगों के अगर 55 से लेकर 60 तक भी नंबर आ रहे हैं तब भी आप लोगों की पूरी पूरी उम्मीदें बनेंगी और आप आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है। और जो ये एससी एसटी वाले हैं, भैया आप तो भागना शुरू ही कर दो, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके 45 नंबर भी आ रहे हैं ना, आप भागना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी कट ऑफ पहले से ही कम जाती है एससी एसटी वाले स्टूडेंट, और स्पेशली जो एसटी है और जो ये अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट हैं। भैया आप लोगों से बार बार कह रहे हैं, अप्रेंटिस वालों को तो भागने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपका कट ऑफ इतने पे हो जाएगा, 40-45 नंबर भी आ रहे हैं आपका काम खत्म है, मतलब बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप तो बस अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करिए। बाकी एससी एसटी वाला बच्चा भी अगर 45 प्लस नंबर ला रहा है 45 से लेकर 50 तक, तो इसका काम पूरा बना बनाया है। आप लोग 45 से 50 तक के नंबर ला रहे हो, एससी में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए आप 48 से लेकर 52-53 तक, और बाकी एसटी वालों का तो 45 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज आप लोग जरूर से जरूर बहुत अच्छे से रनिंग को स्टार्ट करिए। बाकी कट ऑफ क्या जाएगी, अगर रियलिटी हम लोग बताने लग जाए या कोई और बताने लग जाए, हमने कह दिया 70, आपने दौड़ा नहीं। देखिए कहते हैं ना, बारात का खाना ज्यादा बनाना चाहिए। अगर तुमने 100 के 100 का बना लिया कि 100 बाराती आ रहे हैं और बाहर के भी 10 लोग आ गए, तो फिर हालत खराब हो जाएगी। इसलिए आप लोग, अगर हम ये बता दें कि भैया 70 पे कट ऑफ जाएगी और आपने दौड़ा नहीं, फिर दिमाग खराब नहीं होगा आप लोगों का? इसलिए आप लोग रनिंग स्टार्ट करिए और साथ में दूसरे एग्जाम्स को भी टारगेट करना स्टार्ट करिए। हम लोग भी आ रहे हैं बहुत जल्दी, किस चीज को लेके,
एएलपी और ग्रुप डी की, वो दोबारा ग्रुप डी भी देखने को मिल ही सकती है आप लोगों को चुनाव से पहले, इसकी भी टेंशन मत लेना, ठीक है गाइस। तो एएलपी तो मिलना श्योर है, आरपीएफ भी मिलना श्योर है, जेई भी मिलना श्योर है, तो ये वैकेंसी आप लोगों के सामने आई रही है। और हो सकता है जैसे इन्होंने बोला है कि वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि एक आध वैकेंसी की और तैयारी चल रही हो, क्या पता सरकार ये चाह रही हो कि भैया एक वैकेंसी और फेंक दे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजे की बात है कि अगर यहां नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आप इन गलतियों से सीखना और आगे उस चीज को इंप्लीमेंट करना, जो गलतियां यहां की हैं वो गलतियां आगे मत करना, आप लोगों का सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी को बिलोंग करती है, इससे थोड़ा कम भी हो सकती है और इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि ओबीसी से कट ऑफ कभी भी ज्यादा जाती है ईडब्ल्यूएस की। तो इतने पे ही आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हो, मतलब अगर 58 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं आप बिल्कुल शुरू करिए, बहुत ही आसानी से आप लोगों का भी सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। बात कर लेते हैं, यहां पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो पीएच कैंडिडेट है, भाई आप लोगों की सीटें रिजर्व होती हैं, 1,00,000 में काफी सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। पिछली बार तो थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जितनी सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व है वो आप ही को मिलनी है, अगर आपने पास भी किया हुआ होगा और बच्चे नहीं होंगे तो आपका होगा, अदरवाइज आप लोगों की कट ऑफ लगेगी और वो कट ऑफ एससी एसटी के इक्वली रहनी है, उससे ज्यादा आप लोगों की कट ऑफ नहीं रहेगी। अब अफेक्ट क्या करने वाला है, देखिए नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को बता दूं किस तरह से चीजें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट शिफ्ट का स्टूडेंट, 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट जो टॉपर है, अगर उसके 70 नंबर आए, ठीक है, 17 अगस्त के, और 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट के टॉपर स्टूडेंट के 90 नंबर आए, इन दोनों को बराबर करना है, अब आप सोच लीजिए तो कितना कितना डिफरेंस आएगा। ठीक इसी तरीके से जो फर्स्ट शिफ्ट का, 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो बच्चा एवरेज 50 नंबर लेके आया है, इसको अगर वहां एवरेज 70 नंबर भी है तो उसके बराबर करना है, इस तरीके से ही होगा। और परसेंटाइल में मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आपकी परसेंटाइल 99% है, इसका सीधा सा मतलब है कि 1% जो टॉप के हैं उसके अंदर आप इंक्लूडेड हो, बाकी लड़के आपसे ऊपर हैं, आपसे ऊपर 1% लड़का है। कहने का मतलब यह है कि अगर 1% निकालेंगे किस चीज का, आप निकाल लीजिए 100 बच्चे हैं और आपकी 99% आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपसे ऊपर एक लड़का है कम से कम, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें देखनी है, नॉर्मलाइजेशन होगा, इस चीज को